हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हु मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना एक बहुत बड़ा टास्क है, और काफ़ी हद तक हमने जो भी लोगों से बात हुई है या तो इंटरेक्ट होता है तो ऑलवेज लॉस में ही उसकी पोजीशन रहती है या तो उसने पैसा का लॉस किया हुआ। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कौन बनाता है, और पूरा एनालिसिस करेंगे कि एक आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या क्या आवश्यकता रहती है। तो पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, हू मेड मनी इन द स्टॉक मार्केट। यू आंसर इज नो, क्योंकि हमारे सामने इतना बड़ा केसेस अवेलेबल है जो लोग हमको बोलते हैं कि मैंने 2 लाख गवाई है, 5 लाख। यू हैव अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट, आंसर इज ऑलवेज नो। उसकी हम हकीकत की बात करें तो स्टॉक मार्केट इज अ जीरो सम गेम, ये आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो सम गेम है जिसमें समवन इज लूजिंग समवन इज अर्निंग, यानी कोई गवा रहा है तो कोई कमा रहा है। दैट इज द 100% ट्रू सेंटेंस। सो आज का हमारा की फोकस एरिया है कि आप जो भी लोग हैं जिसने भी लॉस किया हुआ है तो सामने किसी ने अर्न किया ही किया है, क्योंकि इट्स जीरो सम गेम। आपके पॉकेट्स में से पैसा जा रहा है किसी के और के पॉकेट में। सो यहां आप देख सकते हो, इफ यू आर लूजिंग देन मस्ट बी समवन मेड अ डिसेंट प्रॉफिट। पीटर लिएज का एक सेंटेंस है, एवरेज इन्वेस्टर कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड एंड कैन पिक विनिंग स्टॉक्स एज इफेक्टिवली एज वे स्ट्रीट प्रोफेशनल बाय डूइंग जस्ट अ लिटल रिसर्च। यानी आप एक एवरेज इन्वेस्टर हो, आप कोई भी फील्ड में काम करते हो उसमें आप एक्सपर्टाइज गेन कर सकते हो, आप अच्छे से अच्छा स्टॉक ढूंढ सकते हो जस्ट बाय डूइंग अ लिटल रिसर्च, या तो हमारी जो भी गलती हो रही है उसको हम कैसे सुधार सके। यहाँ आप देख सकते हो, हु मेक्स योर प्रॉफिट। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई ना कोई तो है वो श्योर प्रॉफिट बना रहा है, यानी कभी उसने लॉस आता ही नहीं है। वो लोग है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे पास से फीस लेती है, अलग अलग टैक्सेस गेन करती है, तो वो ऑलवेज मेक अ प्रॉफिट। नेक्स्ट ब्रोकर हमारे पास, ब्रोकरेज जो चार्ज करते हैं, ये जो एंटिटी है वो नेवर कम्स अंडर द लॉस। एंड थर्ड इज एक्सचेंज, जो एक्सचेंज उसका फीस चार्ज करती है फॉर सेटलमेंट ऑफ अवर ट्रेड। व्हाट टू अवॉइड, आपको क्या अवॉइड करना है। आपको डेली बेसिस पे न्यूज चैनल देखना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ डेली का कोई भी न्यूज आता है तो एक पैनिक क्रिएट कर देते हैं। आपको न्यूज चैनल देखनी है तो आप म्यूट करके देख सकते हो। नेगेटिव होता है तो आपके पास पैनिक आ जाता है, पॉजिटिव होता है तो आपको एक ग्रीड हो जाती है परचेस करने की। तो प्लीज अवॉइड वॉचिंग टीवी डे टू डे, कि हम कभी भी कोई भी स्टॉक बाय करते हैं नेक्स्ट डे या तो फ्रॉम द सेम मोमेंट इट स्टार्ट फॉलिंग। आपके काफी सारे जो व्यूअर्स है उसका एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने कोई भी स्टॉक्स लिया है या तो कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करता हूँ वो मुझे सीधा सीधा लॉस में ही चला जाता है। या तो आपका एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी मतलब एक्स वाई जेड स्टॉक्स आपने लिया, काफी हद तक उसने होल्ड किया, जैसे ही आपने सेल किया एज पर चार्ट इट स्टार्ट ग्रो। डोंट यू थिंक इट्स एन मीथ, एक हम बोल सकते हैं मीथ है, नॉट अ रियलिटी, ये हकीकत नहीं है। हम उसको बदल सकते हैं, थोड़ा बहुत हमको प्रैक्टिस करना रहेगा। हम आज एंड तक ये वीडियो पूरा देखने वाले हैं ताकि हमको ये जो हमारा मिथ कॉन्सेप्ट है या तो हमारी मीथ है वो आज हम दूर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कॉमन थिंग टू अंडरस्टैंड, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग पानी है। स्टॉक मार्केट इज ए नंबर गेम, इट्स एन प्योरली नंबर गेम, समवन इज लाइक नंबर। समझो रिलायंस है, आज 2000 का उसका रेट चल रहा है। सो मतलब समझो मिस्टर ए को ये 2000 का रेट अच्छा लगता है, वो अंडर वैल्यू दिखता है तो बाय करेगा। समवन डिसलाइक द नंबर इट सप्लाइज, यानी ये सेल करेगा। सो 2000 का एक नंबर है जिस पे लोगों की सोच रहती है कि मुझे ये नंबर या तो ये स्टॉक ओवर वैल्यूड लगता है तो सेल करेगा, उसको अंडर वैल्यू लगता है तो बाय करेगा। सो जो भी तेजी मंदी होती है वो बेस्ड ऑन द नंबर, इट्स ए नंबर गेम। उसको हम डिकोडिंग करने के लिए वेरियस चार्ट लेते हैं, कुछ भी हम करते हैं,
कितना सारा मतलब पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उस बेजिस पे हम आज बात नहीं करने वाले हैं। जस्ट इट्स अ नंबर गेम, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। काफी लोगों को नंबर अच्छा लगता है तो डिमांड करता है शेयर की, काफी लोगों को ओवररेट लगता है तो सप्लाई करता है, जिसके वजह ये शेयर गिरता है ड्यू टू सप्लाई ऑफ दी शेयर्स, सो प्राइस डाउन जाता है। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नंबर, व्हाई, क्यों आपको ये समझना है। समझो आज 5 सितंबर है और आज के दिन मूडीज या क्रिसिल आके टाइटन का शेयर अपडेट करती, और मंडे के दिन, आज समझो संडे है या तो सैटरडे है, मंडे के दिन वो 5% गैप अप हो जाता है, तो ये संडे या मंडे के दिन टाइटन का जो बिजनेस है उसमें कोई ऑल ऑफ सडन चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये माइंडसेट है, एजेंसी का रेटिंग है, वो मतलब अपडेट या तो डिग्रेड करती है तो उस पर इम्पेक्ट आती है। सो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर लोग भी हो पैनिक में आ जाते हैं, या तो ग्रीड में आ जाते हैं, या तो फियर में आ जाता है, उसके बेसिस पे उसमें प्राइस अप डाउन हो जाता है। सो मेनी टाइम्स समवन अपडेट द टारगेट बाय सम रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल एक्ट्रा, काफ़ी सारी एजेंसीज इंडिया में आज की डेट में ऑपरेशंस कर रही है, उसके मुताबिक शेयर का जो प्राइस है वो अप जाता है या तो डाउन जाता है। सो ऑल ऑफ सडन बिजनेस में कोई भी मतलब चेंज होने वाला नहीं है, या तो होता नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले जो शेयर 1000 रुपीज में मिल रहा है वो आज अचानक से 1050 पे ट्रेड होने लगता है, उसका मतलब 2 दिन में बिजनेस में कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज नहीं आया है। सो आपको ये पहले से ही क्लियर कर देना है कि आप जो भी शेयर या तो इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हो उसमें आपको एजेंसी का कोई भी रिपोर्ट आता है, कुछ भी न्यूज आता है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म जेन्यून इन्वेस्टमेंट करनी है। 1 या 2 क्वार्टर का रिजल्ट वीक आता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस स्लो डाउन में चला गया है या तो बिजनेस अब ग्रो नहीं करने वाला है। आपको मतलब ये पूरा जो थिंकिंग है, एक जो हमारे बोल सकते हैं ये आउटलुक ऑफ द थिंकिंग है, वो आपको समझना रहेगा। काफ़ी सारा जो आज की डेट में रेटिंग एजेंसीज है वो ऐसा रिपोर्ट पब्लिश करके स्टॉक को फ्लक्चुएट कर देते हैं। सो यहाँ आप सब ने ये जो पर्सनालिटी है उसके बारे में काफ़ी कुछ रीडिंग या तो ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसके हम थोड़ी बहुत डिटेल में आज 1 मिनट में डिस्कशन करने वाले हैं। ही स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट एट द एज ऑफ 11। नियरली उसका जो 94% अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ अर्न आफ्टर ही टर्न 60 ईयर्स। आज समझो आज आप 30-35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वॉरेन बफेट ने 11 इयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसकी जो अर्निंग है, उसकी जो वेल्थ है, 94% उसकी जो वेल्थ इंक्रीज हुई है वो 60 की एज के बाद हुई है। तो आप उसमें समझ सकते हो उसका 49 इयर्स का इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है, होराइजन है, वो टाइम पे उसकी जो वेल्थ है वो स्लोली ग्रो हुई है। आप यहाँ देख सकते हो सक्सेस कम्स एट एनी एज, 99% ऑफ वेल्थ कम आफ्टर रिटर्न 50, यानी 50 के साल के बाद उसकी 99% वेल्थ उसने गेन की हुई है। एट 89 बफेट वर्थ वेल्थ इज $81.7 बिलियन। आप सोच सकते हो उसकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसोफी है वो समझो लॉन्ग टर्म के लिए उसने होल्ड किया है, इसके लिए उसने जो भी फ्रूट मिला है वो 50 के एज के बाद उसकी जो नेटवर्थ है वो ग्रो हुई है। सो आप जो भी इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कर रहे हो तो आपको 5-10-15 साल के बाद उसकी रियल इम्पैक्ट, जब भी वो कंपाउंडिंग में चले जाते हैं तब भी उसमें आपको एक अच्छी मैजिक दिखने को मिलेगी। समझो आप कोई भी स्टॉक आज 100 रुपीज में बाय कर रहे हो, वो 3 साल में समझो 200 होता है, 5 साल में 250 होता है, 10 साल में 300 होता है, तो आपका 10 साल में 3x रिटर्न हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉक 3 गुना इंक्रीज हो गया, 100 का स्टॉक 300 हो गया है, यानी हमने ऑलरेडी 200% का गेन किया है और इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 रुपीज। अब समझो 10 ईयर्स के बाद जब भी वो 300 हो गया, अभी उसमें 30% का भी गेन आता है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो 3x से सीधा 4x हो जाता है।
तो आपका जो रियल मैजिक स्टार्ट होता है वो 20-25 साल के बाद होता है। जब भी ये स्टॉक समझो 1000-2000 के करीब पहुंच जाता है, उसमें समझो 5% का भी मुनाफा या तो मूवमेंट आती है, तो आपका अमाउंट मल्टीप्लाइड सीधा हो जाता है डबल से। यानी 2000 का स्टॉक है, उसमें प्राय 5% इंक्रीज होता है, तो 100 रुपीज़ आपका परचेज या तो कॉस्ट 100 रुपीज़ का है, तो आपका सीधा सीधा उसमें 1x से आपकी नेटवर्थ इंक्रीज हो जाती है। तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी समझ पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म 20-25 साल का नजरिया रखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। आपको आने वाले टाइम में, मैं अभी एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की मतलब वेट कर रहा हूँ, जैसे उसकी एनुअल रिपोर्ट आ जाती है, जो मेरा कंडीशन है वो फुलफिल हो जाती है, तो मैं एक ऐसा अच्छा स्टॉक देने वाला हूँ जिसमें आप मतलब 10-20 साल तक का उसमें होल्डिंग करते हो, तो आप आराम से मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ लैक्स कैन टर्न इनटू करोड़। उसमें एक पावर है, ऐसी अच्छी एक कंपनी है आज इंडियन लिस्टेड स्पेस में, जिसमें मतलब आप समझ सकते हो कि आपने मतलब 10,000 विप्रो में IPO के ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज उसकी वैल्यूएशन 600 करोड़ के करीब आ रही है। तो ऐसी ये कंपनी है, 2-3 साल पहले ही उसका IPO आया है। IPO से वो मतलब 150% का अभी प्राइस मूव हो गया है। तो अभी आने वाले टाइम में मैं वो रिवील करूंगा। आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक हमारा जो प्रयास है वो पहुंच सके। आप यहाँ दूसरा एग्जांपल देख सकते हो, जिस इंडिया की एक मतलब वर्सेंटाइल हम पर्सनालिटी बोल सकते हैं, जिसका नाम है राकेश झुनझुनवाला। वो एंटर हुआ था 1985 में, यानी आज से 35 साल पहले स्टॉक मार्केट में 5,000 रुपीज़ लेके इन्वेस्ट किया था। उस आज की डेट में 48 रैंक पे वो रिचेस्ट में इंक्लूड हो रहे हैं। उसकी नेटवर्थ $2.3 बिलियन है। उसका जो फर्स्ट प्रॉफिट आया था वो 50 लाख का था 1986 में। वो मतलब ऑलमोस्ट 3 साल 1986 टू 1989 तक उसने 20-25 लाख का प्रॉफिट कमाया था। एज ऑफ 2020 इज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन टाइटन कंपनी वर्थ ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपीज़। उसने 2002-03 में 7 करोड़ शेयर्स लिए थे ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ के रेट पे। आज की डेट में उसका रेट चल रहा है 1150। सो आप देख सकते हो मतलब 18 साल का उसका होल्डिंग होराइजन रहा है। आप और मैं मतलब जो भी स्टॉक 20-25% अप या डाउन हो जाते हैं, तो हम एक केओस उसमें क्रिएट कर देते हैं, या तो हम मतलब पैनिक या फियर में आ जाते हैं कि अभी हमको क्या करना है। 20-25% स्टॉक इंक्रीज हो जाता है तो हम बुक करके मतलब नया स्टॉक ढूंढने में लग जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस काइंड ऑफ एन शिफ्टिंग और ए पोजिशनल ट्रेडिंग, कीप अ व्यू फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन। मतलब आपको 15-20 साल तक का एक मतलब मैजिकल इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आने वाले टाइम में मतलब आप 20 साल के बाद उसमें कोई भी मतलब इवेंट आ जाती है, कोविड आ जाता है या तो और हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आज मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ कि टाइटन का शेयर कभी भी 3 रुपीज़ पे नहीं पहुँचेगा। तो उसको एक टाइम के बाद वो रिसेशन प्रूफ, वो इवेंट प्रूफ हमारा पोर्टफोलियो बन सकता है। बट प्रायर कंडीशन इज दैट वी शुड कीप अ राइट स्टॉक एट अ राइट प्राइस एट अ राइट टाइम होराइजन। सो यहाँ हमको आज के दिन लर्निंग लेसन हमारे लिए है, डिवाइड योर कैपिटल इन टू पार्ट, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट। नेवर इन्वेस्ट फुल अमाउंट एट वन गो, इन्वेस्ट 80% मैक्सिमम, कीप 20% इन कैश फॉर्म, या तो कैश इक्विवेलेंट आप गोल्ड या तो लिक्विड बीज या तो मतलब कोई भी FD या कुछ भी मतलब कर सकते हो, जिस पे आप 20% कैश पे हर हमेशा बैठ सकते हो, और आपको 20% ड्यूरिंग पैनिक पीरियड जब भी मार्केट में लोअर सर्किट हो जाती है या तो पैनिक आ जाता है, तो 20% का यूज करके आप मतलब वहाँ एवरेजिंग या तो कुछ भी मतलब अच्छे से अच्छा प्रॉफिट गेन आप कर सकते हो ड्यूरिंग अ स्पेन ऑफ 2-3 मंथ्स ओनली। समझो मार्च का जो रेट था वो आज मतलब अगस्त सितंबर में ऑलमोस्ट 200-300% का ऑलमोस्ट काफ़ी सारी स्क्रिप्ट में मुनाफा हो रहा है।
ट्रेडिंग कैपिटल यू कैन डिवाइड इन पोजिशनल इंट्राडे एफएनओ बट विद कैलकुलेटेड रिस्क। आपको ट्रेडिंग कुछ भी करना है वो कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से, कैश स्टॉक लो, पोजिशनल करो, फ्यूचर करो, ऑप्शंस करो, कोई भी करो, आपको पहले से ही आपका रिस्क आइडेंटिफाई होना चाहिए। आप ऑप्शन सेल भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस आपके दिमाग में होना चाहिए, या तो एट अ वन पॉइंट ऑफ अ टाइम योर लॉस वुड स्टॉप, या तो आपके पास हेजिंग होना चाहिए, या तो कुछ भी मतलब स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अभी मैं आपको बोल दावा के साथ बोल सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसका हम काफ़ी सारी बार प्रैक्टिकल कर चुके हैं, बट हमको थियोरेटिकल उसका पता नहीं है। मैं आज आपको ये साथ ये जो कोट शेयर कर रहा हूँ या आप ध्यान से रीड कर लेना है। स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, वो एक मतलब डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, यानी जो लंबी अवधि का इन्वेस्टर है उसके पास, जो छोटी या तो मतलब होलेडाइल अवधि का जो इन्वेस्टर है उसके पास से, या उसका पॉकेट का मनी पेशेंट जो भी मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे हैं उसके पास ट्रांसफर हो जाता है विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। सो हम स्टॉक मार्केट को एक ऐसा डिवाइस बोल सकते हैं जिसमें मनी का फ्लो होता है और मनी ट्रांसफर हो जाता है इम्पेशेंट टू पेशेंट इन्वेस्टर। यहाँ हम देख सकते हैं अब हमको करना क्या है। हमने काफ़ी बार मतलब ये अच्छी अच्छी बातें अभी सुन ली है, तो अभी हमको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, तो अब हम उसके लिए हम आने वाले 10 मिनट तक उसकी बात करेंगे। पहले आपको इफ़ यू वांट टू मेक अ वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट लर्न फ्यू लेसन एंड फॉलो इट। सो पहले आपको एक कोई भी सिस्टम या तो रूल सेट कर देना है आपके लिए, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको रूल सेट करना है। कभी भी आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। काफ़ी बार एक दो टाइम हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं या तो हम महसूस करते हैं कि इस बार मेरे को स्टॉप लॉस हिट नहीं करना है, मैं खड़ा रहूँगा, क्योंकि लास्ट दो टाइम मेरा जो स्टॉक था वो दोबारा रिकवर हो गया और वही रेट पर आ गया, तो इस टाइम मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं करने वाला हूँ। और जैसे ही हम स्टॉप लॉस नहीं हिट करते हमारी कैपिटल आधा हो जाती है, 50% लॉस में हम चले जाते हैं। सो ऑलवेज वेलकम स्टॉप लॉस एंड कीप टारगेट ट्रेल। आपको टारगेट में स्टॉप लॉस ट्रेल करके जाना है। आपको स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हो जाता है तो खुशी खुशी उसको वेलकम करके स्टॉप लॉस हिट कर देना है। स्टॉप लॉस जो आप एक बार समझ जाते हो तो आप जिंदगी भर कभी भी मतलब पछताने का टाइम नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज आपको सिस्टम ट्रेड किसी को बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा। मैं आई विल बाय दो स्टॉक विच रिपोर्ट 10x डिलीवरी वॉल्यूम, मतलब डिलीवरेबल जो भी एनएसई में वॉल्यूम की भाव कॉपी आती है उसमें लास्ट दो साल का जो भी एवरेज वॉल्यूम रहता है डिलीवरेबल उसकी 10 गुना डिलीवरेबल एवरेज रहती है, और मेरी जो कंडीशन है उसका जो क्लोज है वो विवेक के ऊपर आता है तो उसमें मैं मेरी पोजिशन बनाऊँगा। उसमें मैं 5% का स्टॉप लॉस रखूँगा, मेरा टारगेट रहेगा 10-12% कमाने का। सो जैसे ही ये स्टॉक 5% डाउन जाता है मैं मेरी पोजीशन में लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये बात हो गई ट्रेडिंग की। अब दूसरी बात करते हैं, वी ऑलरेडी डूइंग ट्रेड बेस्ड ऑन द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड नियरेस्ट प्राइस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप अर्निंग टैक्टिक्स सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट अपलोड करते हैं जिसमें हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो भी स्ट्राइक पे ऑप्शन में अवेलेबल है उसमें और नियरेस्ट उसका प्राइस है। समझो टाटा स्टील 400 पे चल रहा है और उसका 400 कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो वो हमको ट्रैक पे लगाना है। जैसे ही 400 क्रॉस करता है तो मैं सीधा टाटा स्टील बाय कर लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 396 का और मेरा टारगेट रहेगा 412 का, या तो 410 2.5-3% का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 1% का रहेगा। ये मेरी सिस्टम डेवलप हो गई। अब मुझे कोई भी इमोशंस में नहीं आना है, मेरे को डाउ जोन्स देखना नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है। जैसे ही स्टॉक हमारा क्रॉस हो जाता है, ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाता है तो मैं मेरा सीधा सीधा खुशी खुशी मैं उसमें ट्रेड ले लूँगा। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं वो हिट हो दूंगा, टारगेट आ जाता है तो मैं खुशी खुशी मेरा प्रॉफिट उसमें
बुक कर लूंगा, तो इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ट्रेड। उसमें मेरा इमोशंस नहीं आता है, मेरा कोई भी मतलब बिहेवियर इमोशंस उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग में भी काफ़ी बार इमोशंस आ जाते हैं, हम बायस बन जाते हैं चार्ट दिखने में भी। सो मैं मेरी आज के दिन ऐसी एडवाइस दूंगा कि आप कुछ भी मतलब कोई भी कंडीशन या तो रूल सेट करो कि जिसमें आपको इमोशंस उसमें इंक्लूड ना हो सके। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो आपको डेली बेसिस पे कोई भी कंपनी का प्राइस देखना नहीं है। आइडेंटिफाई योर एक्सपर्टाइज नॉलेज एरिया वेर यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द स्टॉक्स और ए सेक्टर। समझो मेरा एग्जांपल आपको देता हूँ, तो मैं इजीली एग्रीकल्चर स्टॉक्स को इजीली डिकोड या तो समझ सकता हूँ, उसकी डिमांड है, उसकी सिचुएशन से आज के दिन उसमें मतलब जो करंट सिनारियो है एग्रीकल्चर स्टॉक्स के रिलेटेड, जो भी मतलब आउटपुट है वो इजीली उसमें इंफॉर्मेशन टुगेदर कर सकता हूँ और इजीली मैं मेरे अपडेट भी दे सकता हूँ। तो मेरे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टॉक्स है वो मेरा लॉन्ग टर्म विजन के लिए एक अच्छी पिक बन सकती है। उसमें हमको करना क्या है, सेम वे आपको फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, कंजम्पशन से, कंस्ट्रक्शन से, इंजीनियरिंग, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, समझो आप एक टेलर हो, मैं आज एक पूरा लॉजिकली आपको बता रहा हूँ, आप समझो एक टेलर हो, आपको किसी भी सेक्टर का कोई भी मतलब नॉलेज नहीं है, तो आप टेलर हो तो आपको जब भी मतलब टेलरिंग काम करते हो तो किस कंपनी का मतलब ज़्यादातर क्लोथ्स बीच रहा है, या तो आप मतलब यूज कर रहे हो रेमंड है, या तो मतलब कोई भी कंपनी है जिसमें काफ़ी सारा मतलब क्लोथ्स आपके पास आ रहे हैं, या तो आप कर्टेल कर रहे हो, या कोई भी मतलब क्लोथ्स रिलेटेड कोई भी सेक्टर की डिमांड आ रही है, तो वो कंपनी का आप इजीली मतलब उसमें डिमांड देख सकते हो और उसमें निवेश भी कर सकते हो। सो आप जिस कंपनी में या तो जिस सेक्टर से जुड़े हो वो सेक्टर की आपको पहले एक्सपर्टाइज गेन कर लेनी है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स फॉलिंग अंडर योर सेक्टर, नोट डाउन सेल्स एंड प्रॉफिट विथ इट्स मार्केट कैप ऑफ ऑल स्टॉक। मैं मेरी बात करूँ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने तीन पार्ट में स्टॉक डिवाइड किए हुए हैं, जिसमें मैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीन सेगमेंट मैंने रखा है, जिसका मार्केट कैप के हिसाब से वो मैं उसका वैल्यूएशन कर सकता हूँ। कीप आईज ऑन क्वार्टर रिजल्ट परफॉर्मेंस, बी इन टच विद पीपल हु आर एसोसिएट विद कंपनी। सो आपको क्वार्टरली बेसिस पे मतलब जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको उसको रिव्यू करना है, स्टडी करना है और कुछ नहीं करना है। आपको ये जो कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हाउ दिस इज हाउ यू कैन मेक सिस्टम ट्रेडिंग एंड पीपल हु फॉलो सिस्टम विन द रेस, नेवर बी इमोशनल इन द स्टॉक मार्केट। मैं एक एग्जाम्पल आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डार्वास बॉक्स थियरी आपने सुना होगा, जो एक बंदा डांसर था जिसने डांसिंग करते करते स्टॉक मार्केट में से $2 बिलियन कमाई की है। तो उसका एक सिंपल फंडा था, वो एक बॉक्स ड्रॉ करता था कि समझो आज मंडे से लेकर फ्राइडे तक का जो एक्स वाई जेड, समझो रिलायंस का स्टॉक से जिसने 1900 का लो बनाया और 2050 का हाई बनाया, तो नेक्स्ट वीक मेरे लिए जब भी वो 2050 को क्रॉस करता है तो मैं बाय करूंगा, 1900 को मतलब क्रॉस करता है डाउन जाता है तो सेल करूंगा। इस थियरी के बेसिस पे वीकली ट्रेडिंग करने से ये बंदे ने $2 बिलियन कमाई किया है डांसिंग करते करते। सो आप यहाँ देख सकते हो, जस्ट उसने इम्प्लीमेंट किया एक सिस्टम का, एक कॉमन सिस्टम जिसमें प्रीवियस वीक का हाई और लो दोनों ये नोट डाउन कर लेते थे और उसके बाद उसका जो ट्रेड इनिशिएट होता है अपर या तो लोअर रेंज जब भी ब्रेक होती है तो उसमें वो इजीली उसका ट्रेड लेता था और उस बेसिस पे वो स्टॉप लॉस और टारगेट उसमें रखता था और उस बेसिस पे उसने $2 मिलियन की अर्निंग की हुई है। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि कभी भी सिस्टम ट्रेडिंग आप करते हो तो उसमें आपका इमोशंस कभी मिक्स नहीं होते, उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा से अच्छा गेन मिल सकता है। तो इस बंदे ने डांस करते करते
इतना बड़ा अचीवमेंट किया है तो आप इजीली अचीवमेंट कर ही कर सकते हो। ओनली द रीजन इज सिस्टम ट्रेड, सिस्टम ट्रेड करने से ही आप बड़े बन सकते हो। आप हर बार इमोशंस पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, आपकी हर बार इमोशन सही नहीं होती है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, मोवेंटो वायर कंपनी की एक प्रोडक्ट है, रिसेंटली मतलब एक साल पुरानी उसने लॉन्च की हुई है। उसकी प्राइस भी बहुत हाई है, मतलब 2500 के करीब उसका मतलब 1 लीटर का रेट चल रहा है। तो मेरा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब भी ये कोई नई कंपनी की मतलब नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, वायर है, BASF है, PI है, इंसेक्टिसाइड है, कोरोमंडल है, एक्सल है, गोदरेज है, रालिस इंडिया है, काफ़ी सारी जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स है उसमें कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो मैं उसमें सीधा सीधा उसके बारे में पहले रिसर्च कर लेता हूँ, उसकी डिमांड देखता हूँ, उसकी सर्विस देखता हूँ, या तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन देखता हूँ। बायर हैज लॉन्च न्यू प्रोडक्ट नेम एंड रिव्यू प्रोडक्ट रेट डिमांड। तो आपको सिंपली 3 कैटेगरी में कोई भी सेक्टर को डिवाइड कर देना है। आप चाहो तो 1000 करोड़ प्लस मार्केट कैप, 100 करोड़ से अप और 500 करोड़ से बिलो, या तो 1000 करोड़ से बिलो मिड कैप में ले सकते हो और बिलो 1000 बिलो 100 करोड़ मार्केट कैप स्मॉल कैप में ले सकते हैं। तो तीनों कंपनी का आपको पहले लिस्ट डाउन कर लेना है सेक्टर वाइज। मेरे पास एग्रीकल्चर का है पूरा लिस्ट है। तो मेरा जो भी 60% इन्वेस्टमेंट रहता है, मतलब 500 करोड़ के ऊपर की मार्केट साइज है उसमें, 30% का मेरा मिड कैप में रहता है, 10% का स्मॉल कैप में रहता है। अब समझो जब भी मेरा मिड कैप का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाता है तो मैं लार्ज कैप में थोड़ा बहुत अमाउंट मतलब 10-20% मेरा जो भी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट वो बुक करके मैं वापस से बिलो 500 और अबो 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। जैसे ही मेरा स्मॉल कैप मिड कैप में आ जाता है तो वापस से मैं मिड कैप में से 10% मेरा जो प्रॉफिट है या तो अमाउंट है वो सीधा सीधा शिफ्ट कर देता हूँ स्मॉल कैप में। तो इसी तरह आप भी मतलब आपका पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कैप। आपको रेट कभी देखना नहीं है, मार्केट कैप इज द गोल। मार्केट कैप के हिसाब से आपको एक बिजनेस माइंडेड बनना है, आपको पूरा जो बिजनेस की वैल्यूएशन है उसके बारे में ही सोच। आप जनरल पोर्टफोलियो करते हैं, एक तो आपको सेक्टर वाइज पोर्टफोलियो करना है, जो भी सेक्टर में आप आज की डेट में काम करते हो उसके बारे में आप एक्सपर्टाइज गेन करके 3 सेक्टर मतलब 3 अलग अलग मार्केट कैप के वाइज आप डिवाइड करके आपकी अमाउंट 50-60% एक सेक्टर में लगा सकते हो। दूसरा है जनरल पोर्टफोलियो, उसमें आपको करना क्या है, पहले आपको मोनोपोली जो भी बिजनेस में है, आज समझो CDSL है, डिपोजिटरी फर्म है, वो उसकी मोनोपोली है क्योंकि NSDL आज तक लिस्टिंग नहीं हुआ है। तो वो जो मोनोपोली बिजनेस है उसको आपको पहले से ही ट्रैक पे लगाना है। जैसे ही आज समझो प्लेजिंग का नया रूल आ गया है, सेबी की ओर से इम्प्लीमेंट हो गया है 1 सितंबर से, तो आप देख सकते हो CDSL में बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई। तो ऐसे ही आपके पास मोनोपोली बिजनेस का ये पूरा लिस्ट रहता है तो आप उसमें निवेश कर सकते हो। IRCTC है तो इंडियन रेलवे में जो बुकिंग होता है उसका टूरिज्म का है, उसका जो फूड का है तो उसमें मोनोपोली है। तो इस बेसिस पे आप अलग अलग जो भी स्टॉक्स है जिसमें मतलब मोनोपोली आपको दिखने को मिल रही है, आप समझो कोल इंडिया है तो कोयल सेक्टर में आज गवर्नमेंट यूनिट है बट उसका मोनोपोली है कोयल सेगमेंट में। तो इसी तरह मतलब आप ऐसा एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप पूरा स्टॉक्स लिस्ट करके आपको ये बनाना है। दूसरा है ड्यूपोली बिजनेस जिसमें 2 एंटिटी वर्क कर रही है, समझो आज NSE लिस्टेड नहीं है बट BSE एंड MCX दोनों मेन कंबाइंड एंटिटी है। आज MSCI है बट उसमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम नहीं है मेट्रोपॉलिटन एक्सचेंज, तो वो हम इग्नोर कर देते हैं। MGL IGL गैस सेगमेंट में 2 बड़ी कंपनी है, Jio एंड Airtel। हम आइडिया वोडाफोन की यहाँ बात नहीं कर रहे क्योंकि वो
आज की डेट में भी स्ट्रगलिंग मोड में है जुबिलियन फूड। तो इसी तरह आपको ड्यूपोली बिजनेस जो भी अवेलेबल है उसका भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर देना है। और जनरल मतलब होल्डिंग कंपनी है, समझो बजाज फिनसर्व इज द होल्डिंग कंपनी फॉर बजाज फाइनेंस एंड NBFC। आप समझो बजाज लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस वेंचर, उसके पास 6 to 7 अलग अलग बिजनेस अवेलेबल है। आप समझो एक होल्डिंग कंपनी परचेस करते हो तो आप इनडायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो है 7 अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्ट हो जाते हैं और आपको एक चीपर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो जाता है। जैसे ही ये सेक्टर या तो बिजनेस का अनवैल्यू लॉकिंग होता है, वैल्यू अनलॉक हम बोलते हैं, जैसे ही रिवर्स डीमर्जर होता है या तो उसको स्पिन ऑफ स्प्लिट ऑफ होता है, तो उस बेसिस पे आपको एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिल सकता है। तो आप समझो बजाज फिनसर्व आप बाय करते हो तो इनडायरेक्टली आपके पास आपके पोर्टफोलियो में सेफ 7 कंपनीज क्वालिटी स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं। तो इसी तरह काफ़ी सारी ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी है, काफ़ी सारी अलग अलग है, महाराष्ट्र स्कूटर है। तो इसी तरह मतलब आप एक होल्डिंग कंपनी का भी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें डीपली मतलब डिस्काउंट है, समझो 60-90% तक का डिस्काउंट चलता है। एलेम्बिक फार्मा और एलेम्बिक इंडस्ट्रीज द होल्डिंग कंपनी ऑफ एलेम्बिक फार्मा। तो आप देख सकते हो एलेम्बिक का आज का मार्केट कैप है उसके पास जो एलेम्बिक फार्मा का वैल्यूएशन आज के दिन उसके पास स्टॉक पड़ा है वो ऑलमोस्ट 5 to 6 times उसकी वैल्यूएशन आ रही है। तो आप देख सकते हो एलेम्बिक इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा मूवमेंट मतलब लास्ट 2-3 months में देखने को मिली है। इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, आज कोविड का इश्यू चल रहा है आपको पता है, यूज इम्पैक्ट हुई है इंडस्ट्री पे, वो इंडस्ट्री आपको लिस्ट डाउन कर लेनी है। समझो एविएशन इंडस्ट्री, आज फ्लाइंग जो भी है मतलब फ्लाइंग इंडिगो है, स्पाइस जेट है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज की जो कंपनीज है वो आज मतलब काम नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट आज की डेट में वो स्टॉप है या तो लिमिटेड जा रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, आप समझो PVR है उसकी, हम आज पिक्चर लगती नहीं है, UFO मूवीज है, इंडिगो है, जुबिलियन फूड है, उसका आज रेस्टोरेंट जो काफ़ी सारा जो स्पेस है मतलब उसमें गियर अप आना चाहिए वो नहीं है, जिम्स आज की डेट में क्लोज है। तो इसी तरह मतलब आपको इवेंट बेस्ड जो भी इम्पैक्ट वाली कंपनी है उसका वैल्यूएशन या तो लिस्ट डाउन कर लेना है। बाद में आपको फोकस रखना है जो COVID-19 के बाद जो चेंज आया है, समझो यूज ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन बिजनेस में, काफ़ी सारी स्कूल्स आज ऑनलाइन टीचिंग दे रही है, काफ़ी सारी कंपनीज है आज ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रही है, काफ़ी सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज है या तो मीटिंग ऑन जूम वीडियोस इंस्टेड ऑफ फिजिकल विजिट। तो इसी तरह समझो इंश्योरेंस पहले एजेंट खुद जाके समझाते थे, आज वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे मीटिंग लगाते हैं, काफ़ी सारा अलग अलग एवेन्यूज भी आ गया है। तो आपको ये चेंज एडोप्ट करना है या स्टडी कर लेना है। दूसरा है, रिसेंटली मैंने NISM डेरिवेटिव का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ माई सर्टिफिकेट। सो पहले मैं जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता था तो पहले एंड ऑफ दी ट्रेनिंग प्रोग्राम ये पूरा जो एक लिस्ट आता है 20-25 क्वेश्चन था उसका हमको फिलअप फिजिकली करना रहता था। रिसेंटली आज की डेट में वो सब टेक्नोलॉजी पे चला गया। आज हम जो एग्जाम हमने दी है या तो क्वेश्चन पेपर हमने अटेंड किया है वो हमारा मोबाइल में से ही ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट किया हुआ है। तो इसी तरह मतलब जब भी टाइम चेंज होता है तो आपको एडॉप्ट करना ही करना है। आप यहाँ देख सकते हो, इन शॉर्ट ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड नॉर्मल पीपल इज दे पुट एफोर्ट टू लर्न न्यू थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल। आप ऐसे ही गप्पा लगाते हो, TV जोते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो या तो कुछ सर्फिंग करते हो, उससे अच्छा यही है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखो, नया इंस्ट्रूमेंट का आप कुछ ना कुछ लर्निंग डेली बेसिस पे करने को रखो। स्टॉक मार्केट इज अ बैटल फील्ड, वहाँ 6 hours का हमारा वॉर स्टार्ट रहता है। सो हमारे पास जो भी प्रिपरेशन रहती है वॉर के पहले या तो वॉर के बाद, वही मतलब हमको काम आती है ड्यूरिंग दी वॉर। तो इसी तरह आप स्टॉक मार्केट में भी 6 घंटे से पहले या तो 6 घंटे के बाद
दी हुई आपकी प्रिपरेशन आपको इसी 6 घंटे में आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे सकते। यह आपके माइंड में एक सेट कर लेना है कि कोई भी थियोरी 100% रिस्क फ्री आपको मुनाफा दे नहीं सकती है। आपको सिंपली फॉलो रूल्स और क्राइटेरिया जो भी डिसाइड किया है उस बेसिस पे ही आपको काम करना है। यहाँ आप देख सकते हो एक फोटोग्राफ दिया गया है। आपको जब भी कोई एक्सपायर्ड थिंग से समझो आज इंट्राडे है, बीटीएसटी है, आर्बिट्रेज है, केस टू केस है, ये पूरा जो सेगमेंट है वो एक्सपायर्ड हो गया है हम बोल सकते हैं। तो आपको इसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको जो नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहा है या तो आ गया है मार्केट में उसमें फोकस करना है। आशा करता हूँ कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर है या तो आज जो वीडियो देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के बारे में सुना होगा। तो ये जो एक पर्टिकुलर फील्ड है वो हमारे लिए नया है। आज की डेट में इक्विटी डेरिवेटिव्स जो इंडाइजेस इंडेक्स का ऑप्शन से करेंसीज USD INR CBP INR जो भी मतलब 4 पेयर इंडिया में ट्रेड हो रही है, टोटल 7 पेयर की ट्रेडिंग हो रही है, उसका ऑप्शन अवेलेबल है। कमोडिटी में भी आज ऑप्शन आ गए हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर क्रूड, सो काफ़ी सारा हद तक आ गया है। बट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हमारे लिए नया एरिया है। उसका एक यूनिट का लोड कितने का रहता है, उसकी LTP क्या रहती है, उसमें मूवमेंट क्या आती है, सो आपको क्या सीखना है, उसमें मूवमेंट डेली की क्या रहती है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, ट्रेड का उसका एक्सपायरी क्या रहता है, वॉल्यूम कितना रहता है, इम्पैक्ट इवेंट की कैसी रहती है, व्हेन इट वोलेटाइल्स, सो आपको ये पूरी नॉलेज गेन करनी है। समझो आज यहाँ देख सकते हो 102.47 का उसका LTP है गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्यूचर का, उसकी एक्सपायरी 24 सितंबर है। उसकी सिंबल आप देख सकते हो 645 यानी 6.45% की उसकी कूपन रेट है। GS यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसकी एक्सपायरी है 2029। सो आपको ये पता है तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पेयर्स आप देख सकते हो 2846 है, उसमें ओपन इंटरेस्ट 45,369 का है, उसकी वैल्यूएशन भी देख सकते हो 500 करोड़ के करीब उसका टर्नओवर भी दिखने को मिल रहा है। सो इसी तरह मतलब जब भी नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट में आते हैं तो उसमें लेस्ट कंपटीशन रहती है, वहाँ आपको अच्छे से अच्छा मुनाफा गेन करने की भी चांसेस रहती है। यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बोल दूँ तो यहाँ आपको जो भी मूवमेंट दिखने को मिलेगी वो मॉनेटरी पॉलिसी या तो फेड की पॉलिसी के टाइम पे ही मूवमेंट दिखेगी। जैसे ही उसमें 1 बेसिस पॉइंट चेंज होता है तो प्राइस में 6 बेसिस पॉइंट का अप या डाउन प्राइस चेंज होता है। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है तो ये इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अप होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो इस इंस्ट्रूमेंट का रेट डिक्रीज होता है। तो इसी तरह आपको भी ये पूरा नॉलेज गेन करना है, कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है। तो आप चाहो तो ये नया भी ट्राई कर सकते हो, पहले आपको ये पूरी जो नॉलेज है मूवमेंट कैसी है, मार्जिन क्या है, लोट साइज 2000 की है तो पर लोट हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ऑलमोस्ट 3000 के करीब। सो इसी तरह मतलब आपको इम्पैक्ट देखनी है, कभी वॉल्यूम आता है, कभी वोलेटाइल होता है, कभी हम ऑप्शन सेल करते हैं, कभी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले टाइम में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी स्टॉक मार्केट में एक बड़ी से बड़ी अमाउंट अर्न करो। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।